हटा में कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर हुई मामला दर्ज के बाद कांग्रेस के द्वारा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और आंदोलन की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी क्रोधित नजर आए। सामाजिक लड़के हैं, आधी रात नहीं रहेंगे। एक निवेदन और मेरा सर, आधी रात कोई समझते रहने वाले लोग हैं। आपकी बात कौन समझ गया सर? जो होगा जो कि हटा विधायक पीएल तंतवाय जी द्वारा विगत कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि वो लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं पुलिस को आगे करके। जैसे कि एक घटना मर्यादों की, गंगाराम नामदेव जी एक पत्रकार थे सीधे साधे, उनके खिलाफ उन्होंने खुद थाने में बैठकर उनके खिलाफ FIR कराई जो थी अनुचित थी। वैसा ही एक जनप्रतिनिधि भराड़ी के सरपंच सतीश सप्रे ने जो पोस्ट डाली थी उसके खिलाफ नहीं था, उनने क्या लिखा था, बाबू था, बाबू है, बाबू रहेगा। आप बताइए उसमें कहाँ गलत था। उन्होंने पीएल दंतवाय ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। आज हमारे युवा साथी मेरा छोटा भाई राजकुमार राही ने एक न्यायिक मांग करी कि हटा डॉक्टर में महिला, हटा अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है, आपने उस पर FIR कराई। आज अन्य विधायक जी आप जनता की वोटों से जनता की समस्या को ठीक करने के लिए बने हैं। सांसद महोदय जी आप तो कभी दमोह जिला आए नहीं, ये तो आपका सौभाग्य था कि हमारे हटा और दमोह के लोगों ने आपको जिता दिया। आपका संघर्ष कोई हटा के लिए दमोह के लिए नहीं है। इसके बाद आप उस पर FIR कराते हो, आपको जनता की आवाज़ सुनना पड़ेगी। और अगर आप इसी तरह की कार्रवाई करते रहेंगे तो आप ये निश्चित मान के चलो कांग्रेस पार्टी घर बैठने वाली नहीं है। आज ही एक छोटा सा उग्र प्रदर्शन किया है, आने वाले कल में चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे SDM कार्यालय हो, चाहे कलेक्टर दम हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे विधायक का घर हो, चाहे सांसद का घर हो, आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उनका घेराव करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पुलिस इसमें इतनी सक्रियता दिखा रही। इसके पहले एक रनी में घटना होती है 10-15 दिन पहले, एक लड़का करंट से खत्म होता है, आज तक उसकी जाँच चल रही है, उस पर FIR क्यों नहीं कर रही है? वो किसके दबाव में उस पर अभी तक जांच कर रही है? हमें ये बात समझ में नहीं आती है। अगर पुलिस सक्रियता दिखाती तो उस पर FIR करो। और भी शहर के अंदर घटनाएं हो रही हैं, उस पर FIR क्यों तुरंत नहीं होती? आपको एक न्यायिक बात करने वाला व्यक्ति जो कि आज भाजपा के खिलाफ बोल रहा है उस पर आपने FIR करा दी, ये आप आज़ादी की अभिव्यक्ति को छीन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के, जहाँ हमें आज़ादी का स्वतंत्र का अधिकार दिया जाता है, उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। ये पूरे कांग्रेस जन हम इस बात का विरोध करते हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर FIR दर्ज होती है तो आगे और भी आंदोलन हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, निकम्मे नाकारा विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और अगर उनके खिलाफ कोई उनकी कमी बताता है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, उसके लिए पुलिस के द्वारा झूठी कार्रवाई में फंसा के विधायक उनको डरा के धमका के लोगों को अपने खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाने देना चाहता, तो इसके खिलाफ में आज पूरी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी हुई है। और ऐसे विधायकों के खिलाफ हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं
और लड़ते रहेंगे। डरने वाले लोग नहीं है कांग्रेस के लोग, उनको एक नहीं 100 मुकदमे बनवाना है, जेल जाल भिजवाना है, गोली चलवाना है, लाठी चलवाना है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है और मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि विधायक जी होश में आओ, ऐसे झूठे मुकदमे बनवाने से जनता के दिल नहीं जीते जाते, जनता के दिल जीते जाते हैं काम करने से। काम करो, लोगों के दुख दर्द को समझो, तकलीफ को समझो। अरे तुम्हें तो क्षमा मांगना चाहिए उन लड़कों ने जो कहा कि महिला डॉक्टर नहीं है, ये तुम्हारी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना पानी की व्यवस्था है, 15-20% का कमीशन खा रहे हो, खुलेआम भ्रष्टाचारी करवा रहे हो, अधिकारियों से हफ्ता वसूली महीना वसूली करवा रहे हो। ये सब काम हो रहे हैं, अब नहीं चलने वाले, खुल के लड़ाई लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि जो मेरे ऊपर फर्जी केस दर्ज किया गया है विधायक द्वारा और हेमंत कोरी द्वारा शिकायत की गई है, जैसे कि 25 साल से अभी तक हटा हॉस्पिटल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं, मैंने उसकी मांग की तो मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मेरे ऊपर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और मेरे ऊपर प्रेशर पड़ाया जा रहा है पुलिस द्वारा, विधायक जी द्वारा। मुझे बोलने की, मैंने जो बोला, मेरी बोलने की आवाज़ को दबाया जाता है। मैं इससे ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ कि मैंने एक मांग की, छोटी सी मांग की डॉक्टर बुलवाने के लिए, तो मेरे ऊपर इतना सारा दबाव है। संविधान में लिखा है हर आदमी को स्वतंत्रता की बोलने की आवाज़ है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो झूठे केस बीजेपी के लोगों से और विधायक जी से दिखवाने के लिए दबाव जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, जिसमें मेरे ऊपर 2-3 केस फर्जी लगाए गए, 2-3 केस फर्जी लगाए गए। मैं इसके लिए इतनी बोलना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को सुनाया जाए, मैंने सिर्फ एक छोटी सी मांग की।